हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका एक और वीडियो में। और अभी नहा धो के रेडी हैं एकदम बढ़िया डेली की तरह जैसे वीकडेज में रहते हैं। और कल के व्लॉग में जो भी मैंने दिखाया आप लोगों को बहुत पसंद आया, मुझे कमेंट्स भी आए पर्सनली जिन लोगों को मैंने शेयर किया था उन लोगों की तरफ से, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा कि हम बाहर भी इधर उधर देखें। ये देखो इनके लिए बिस्किट और चावल दोनों रखना पड़ते हैं जी। ये जो है ये छोटी वाली चिड़िया का, ये जो है ये कौवे कबूतर खाते हैं, ये भी थोड़ा बहुत कभी कभी कबूतर खा लेते हैं, ऐसे करके हो जाता है। ये देखो छोटी चिड़िया आ गई है उनका खाना वाना खाने। अब ये देखो इसने हरकत की है, बड़े बड़े बिस्किट लेकर के गई है, ठीक है। कौवों को मिलेगा नहीं, वो कबूतर खाएंगे नहीं। और ये जब खाती है ना तो ये क्या करती है, बिस्किट पे ना चोंच मारती है, और चोंच मारने से क्या होता है बिस्किट नीचे गिर जाते हैं टुकड़े, इतने छोटे छोटे, इसीलिए करता हूँ। कभी इस पर भी चोंच मार देती है। अभी देखो अभी जब तक निकल रहा है ठीक है, अदरवाइज़ क्या करेगी उस पर चोंच मारेगी, और जैसी चोंच मारेगी तो वो जा कर के नीचे गिर जाता है। ये देखो कबूतर भी आ गया। अब ये देखो ये चावल खाते हैं तो ऐसे गिरा देते हैं, इसलिए सब कुछ छोटा छोटा करके रखना पड़ता है ताकि उनको भी मतलब एटलीस्ट शांति से उनका भी खाना वाना हो जाए, ना बिखरे ना खराब हो, और जो दोनों तीनों आते हैं कौवा कबूतर चिड़िया उनका हो जाता है, इतने में आराम से खा पी के मस्ता लेते हैं वो लोग भी। थोड़ा और जूम करता हूँ। तो यही है भाई इनकी डेली लाइफ, ये डेली ऐसे ही मस्ताते हैं, ये खा पी के उड़ जाएंगे। अब इसके बाद फिर कौवा आएगा, फिर वो खाएगा। देखो अब ये देखो इसने गिरा दिए दो बिस्किट्स के टुकड़े गिर गए, और ये देखो आपने झगड़ने देखा, ओ हो शिट। चलो अलग से रखना पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे बिस्किट के टुकड़े गिरा दिए इन लोगों ने नीचे उधर। ये देखो झगड़ा कर रहे हैं आ गया, उसको नहीं मिला कुछ भी, अब वो ऊपर जाएगा वहां से वो उठाएगा। आराम से ऐसे ही मस्ताते रहते हैं लोग। देखो इन दोनों को पता ही नहीं है ना कि ऊपर सामान रखा हुआ खाने का, जो नीचे मिला था उसके लिए नीचे आ गए, ऊपर जा नहीं पाए फिर ये देखो भगा दिया उसको, अब आराम से खाएगा। तोड़ के खा मेरे, अरे रे रे तोड़ के खाओ भाई, सीधा सीधा बिस्किट खा गया वो पूरा। ऐसे दिखाऊं ना तो डेली दिखा सकता हूँ ये तुमको, बट आप लोग क्या है कि वीडियो लंबी हो जाएगी पहली चीज, दूसरी चीज डेली के डेली मैं बैठ नहीं पाऊंगा ऐसे क्योंकि मुझे ध्यान रहेगा नहीं। अभी फ्री टाइम मिल गया तो फिर आज मैंने बना दिया वीडियो, अदरवाइज वो लोग भी कब खा के जाते वो भी पता नहीं चलता। अब यहीं पे बैठा हुआ था मैं और यहीं पे काम कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता है, बना दिया मैंने। देखो ये भाई साहब आ गए हैं बाहर और ये बैठे हुए हैं और इनको चाहिए रोटी, लेकिन अब है नहीं, कहाँ कहाँ चिल्ला रहे हैं आकर के क्योंकि इन्होंने वो कबूतर ने फेंक दिया सब इनका। मजा आ जाएगी अभी, मस्त एकदम आएंगे बैठ जाएंगे, स्पेशली चिल्ला करके ये बैठा हुआ है। देखो ये रख के ठीक है, अभी आ जाएगा यहाँ पे, मेरे हटते ही आएगा देखना। इसका डेली का ऐसे ही है पता है, अगर कोई अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी दिन लेट उठता हूँ तो वहाँ बालकनी में आकर के चिल्लाने लगता है। ये देखो आ गए, अब आराम से बढ़िया खाना पीना होगा इनका। मतलब दादागिरी देख रहे हो, जब रखा रहेगा खाना तब हम आएंगे नहीं, और आएंगे तो खुद आवाज लगा के और फिर अपना खाना ले लेंगे तुमसे, ऐसा चलता है भाई डेली, इसी तरीके का बिहेवियर है इनका। वेलकम बैक। तो मॉर्निंग से ये सोच के रखा था कि कहीं जाएं क्योंकि दो तीन काम थे आज बाहर के करने का, बट वही है किस्मत, बारिश हो गई और गर्म गर्मी रह गई,
बट देखता हूँ कि मौसम अगर ठीक होगा तो फिर जाना तो है, लेट्स सी, अगर गया तो दिखा दूंगा। सेकेंड थिंग, जो भी आपने दिन भर में देखा, मतलब लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी, लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेजेस किए हैं इस चीज़ के कि आप बर्ड्स को मतलब खाना वगैरह ये सब चीज़ें देते हो, तो मतलब ये तो मेरा रेगुलर काम है। अगर हम लोगों को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं तो पक्षियों को क्यों नहीं। और वैसे भी हम थोड़ा बहुत इतना तो हम वैसे भी फेंक ही देते हैं, अगर थोड़ा बहुत हम उनके लिए निकाल देते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं दुआई मिलेगी उनकी भी। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और ऑलरेडी चाय वगैरह मैं पी चुका हूँ, काम वाम से भी फ्री हो चुके हैं। तो आज का जो पॉइंट है वो है रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी एंड फोकस। अब क्या होता है कि टीनेज में नई नई चीज़ें जानने की इच्छा की वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, कि आदमी अपना एक जो कहते हैं ना फोकस नहीं रह पाता है, एक अपना एम लेना या फिर फोकस रहना या किसी काम को निरंतर करते रहना, वो चीज़ नहीं हो पाती उससे। और उसकी वजह से अगर आपको मैं बात करता हूँ सक्सेस कैसे मिलती है, लोग हमेशा पूछते हैं ये चीज़, लोग हमेशा बताते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे आपने। मेरी अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ दो चीज़, पहली चीज़ कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो उसको तब तक ख़त्म मत करो, तब तक मत छोड़ो जब तक वो आपको चीज़ मिल ना जाए। बट हाँ, किसी चीज़ का गोल सेट करना ज़रूरी है कि हाँ ये चीज़ मुझे अचीव करनी है या ये चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, उस चीज़ के लिए कंटिन्यूस मेहनत करना, क्योंकि कभी भी लोग कंटिन्यूस मेहनत नहीं कर पाते हैं, या करते करते कहीं ना कहीं होपलेस हो जाते हैं कि यार हमको तो मिलेगी नहीं यार, क्या करें छोड़, ये होता है। एंड ये टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज क्योंकि उनके पास ऑप्शंस दिखते हैं उनको कि अरे यार वो मेरा दोस्त वो कर रहा है और उसका बहुत सही छोड़ा, चलो चलो अपनी भी कर लेते हैं। तो अब बात आती है कि भाई ये तो हमने हर जगह सुना हुआ है, तो मतलब इसका रीज़न या इसका ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, या इसको करने की अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी। तो जिस चैनल पे भी आप देख रहे हो, आप इस चैनल को देखोगे तो ये चैनल अभी आई थिंक 11 अगस्त को स्टार्ट हुआ है। मैं दिन भर ऑफिस में भी काम करता हूँ, मेरा जो भी मेरा काम रहता है वो सारी चीज़ें, ठीक है, क्लाइंट्स हैंडल करना वो सब। सेकेंड थिंग, घर का काम भी करता हूँ। थर्ड, जो चिड़िया वगैरह आपने देखी तो उनका भी टाइम टू टाइम वो सब वो भी मैनेज कर रहा हूँ। फोर्थ, ये वीडियो भी बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के बाद इसको एडिट भी करता हूँ, और रात को 3:30 बजे तक ये अपलोड भी हो रही है डेली, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी तो है कि मैं कंटिन्यूस इस पर काम कर रहा हूँ एंड ये आपको डेली दे रहा हूँ। बट कहीं पे भी मेरे माइंड में ये थॉट नहीं है कि कल मैं उठूंगा और मेरा चैनल वायरल हो जाएगा, समझे। मतलब मेरा दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर है कि मेरा जो भी मैं दे रहा हूँ ये कभी ना कभी तो होगा, बट कल ही होगा ऐसा नहीं। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, ठीक है, थोड़ी मेहनत करना पड़ती है उसके लिए। और दूसरी चीज, अगर आप इस एग्जांपल से नहीं समझ पाते हो तो इससे समझो, कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो पहली बिल्डिंग के बाद हमेशा दूसरी ही बनेगी, दूसरे फ्लोर के बाद तीसरा ही बनेगा, तीसरे के बाद चौथा बनेगा, 10वां डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स थे जिसकी वजह से मैंने आपको बता दिया कि सक्सेस इतना इजीली और तुरंत नहीं मिलती है, उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर वो जो बिल्डिंग बना रहा है उसने ये सोच लिया कि यार एक के बाद 10 नहीं बन पाएगी, चलो एक काम करता हूँ यार, ठीक है बना दूंगा, तो बनाने के चक्कर में उसने क्या किया कि वो आराम से काम कर रहा है, कर तो रहा है काम लेकिन आराम से कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है मेरा कि एक टाइम आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई चीज अचीव करनी है, आपको पता है इसको अचीव करने में टाइम लगेगा, बट उस टाइम को आपको मैच कैसे करना है या उस चीज को अचीव करने के लिए आपको अपना शेड्यूल कैसे बनाना है, तो आपको उसके लिए भी एक अपना टाइम सेट करना पड़ेगा कि 1 साल के अंदर ये बिल्डिंग पूरी खड़ी हो जाना चाहिए, इसके 10 फ्लोर बन जाने चाहिए। अगर ये टाइम मैं उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस मिस्त्री को देता हूँ तो उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि ठीक है ये टाइम के अंदर मुझे ये बिल्डिंग्स बनानी है, तो उसकी कंसिस्टेंसी उस टाइम के हिसाब से निरंतर करते रहना करते रहना करते रहना वो चीज़ हो जाएगी, समझे। तो एक टाइम सेट करना वो आपके ऊपर होना चाहिए। और इसके बाद तीसरी चीज़ कि आप अपने एम से कभी भी डाइवर्ट मत हो। जैसे कि मैं ये चैनल
इसी चैनल से एग्जांपल देता हूँ कि इस चैनल से अगर मैंने वो एक गोल जो सेट कर दिया, अगर मैं इस चैनल के ऊपर अचानक से मैंने सोचा ब्लॉगर बनना है और मैंने डाल तो दिया, अचानक से मैंने ये कर दिया कि दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन करके देख लिया, फिर उसके बाद में सोचा यार लोग देख तो रहे नहीं है, मैं करूँ क्या, कुछ नहीं तो 30 views 40 views इससे ज़्यादा कोई दिखता ही नहीं है चैनल, तो उसमें क्या होता है मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। अब डाइवर्ट हुआ तो क्या किया मैंने, मैंने इस पर कोई गेमिंग वीडियो डाल दिया, ठीक है। अब इस चैनल पर जब मैंने गेमिंग वीडियो, जब मैं अपने एम से भटक गया, डाइवर्ट हो गया कहीं और डायरेक्शन में, तो उस समय क्या हुआ कि जो लोग मेरे चैनल को देखने के लिए आ रहे थे सिर्फ इस वजह से कि उनको कुछ कंटेंट ऐसा देखने को मिलेगा जो फ्रूटफुल होगा उनके लिए, वो भी चले गए। प्लस जो गेमिंग का था, तो गेमिंग का तो मेरा चैनल था ही नहीं, तो वो वैसे ही जीरो हो गया। समझ में आया? अब इसको मेरी लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, 12th की बात कर रहा हूँ, 12th के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे करना इंजीनियरिंग है, बट अब इंजीनियरिंग में करना क्या है, मतलब कैसे करूँगा, तो दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी इंजीनियरिंग करना है। उसके बाद ये हुआ कि मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए पॉलिटेक्निक भी ऑप्शन था, डिप्लोमा भी ऑप्शन था, पीटी मतलब इंजीनियर का भी ऑप्शन था, देन AIEEE IIT ये सारे ऑप्शन थे। तो मेरे दिमाग में एक एम बन चुका है, एक गोल बन चुका है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, दैट्स इट। और उसके लिए मैंने क्या किया, सारे फॉर्म भर लिए, बट कहीं किसी फैमिली में रिलेटिव्स ने बोला कि नहीं आप इंजीनियरिंग मत करने दो, बिकॉज उस समय फैमिली में देखो जैसे मैंने बताया कि एक कमाने वाला इंसान जब होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है। सेम सिचुएशन मेरे पेरेंट्स के साथ भी थी कि मेरे फादर कमाते थे और पापा के उससे ही सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी हो गया कि और भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी तब तक की, और मतलब हैं बहुत सारी चीज़ें थी जो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली चीज़ें बोल सकते हो फैमिली की और भी चीज़ें, तो वो चीज़ों के साथ में ये भी आ गई। तो अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी करना है, अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए सिचुएशन बनी कि भाई अब इसको करेंगे कैसे, तो फाइनली ये निकल के आया कि ठीक है इसको पॉलिटेक्निक करवा देते हैं और हो जाएगा। बट मेरे साथ साथ कहीं ना कहीं मेरी मम्मी का ये बहुत क्लियर था कि उन्होंने मेरे को क्लियरली बोला था कि तुमको जो करना है तुम उसी डायरेक्शन में फोकस रहो, डाइवर्ट मत। देन फिर मेरे पेरेंट्स ने ये डिसीजन, जब मम्मी ने ये दिया तो फिर पापा ने भी मुझे क्लियर किया कि बेटा तेरे को क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कैसे चाहिए, हम अरेंज करेंगे, तू कर। देन उनके उस फोकस कि हमारे बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देना है, वो इंजीनियर बनना चाहता है तो अच्छा इंजीनियर बनाना है, वो चीज़ को सोचते हुए उन्होंने उस चीज़ पे फोकस रखते हुए कि मेरे को यही करके देना है मेरे बच्चे के लिए, उन्होंने मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाया। मैंने PET से किया, ना कि मैंने डिप्लोमा किया, ना ही पॉलिटेक्निक किया, ठीक है। तो एम फोकस रहना वो बहुत ज़रूरी है, फोकस रहने के साथ साथ कंसिस्टेंट रहना भी बहुत ज़रूरी है। सुन लो, इनको भी सुन लो, ये भी लिटरली मैं कभी कभी ना इरीटेट हो जाता हूँ बिकॉज इतना साउंड आता है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फोकस रहने के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखना चाहिए, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे। होपलेस होकर के छोड़ दोगे तो आप कभी भी जहाँ तक पहुँचने का डिसाइड करके बैठे हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो यह आज का था डिस्कशन टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ पाओगे। और दूसरी चीज़, बचा टाइम अभी वही है सेम, शाम का खाना वगैरह, और अगर बारिश वगैरह का सीन सही हो जाता है तो फिर बाहर भी जाना है, एक छोटा सा काम करना है, और फिर उसके बाद ये वीडियो एडिट करनी है, तो लेट्स सी। और हम मिलते हैं फिर सेम वही रात को एडिटिंग के टाइम पे। तो टाइम हो रहा है 12:50, और मैं ट्राई कर रहा हूँ यार कंटेंट छोटा कर दूँ, बट ना इतनी सारी चीज़ें अगर आ जाती है ना, लाइक अभी जैसे मैंने जो भी आप लोगों को दिखाया उसमें, प्लस मेरा जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो सब ले करके ना टाइम हो ही जा रहा है इतना, बट फिर भी ट्राई करूँगा यार मैं जल्दी से जल्दी इसको और छोटा कर पाऊँ। चलो कोई नहीं, कोशिश जारी रहेगी कंसिस्टेंसी, जैसे आज मैंने बताया। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। आज में जो मैंने कल वाली वीडियो डाली थी उस पर इतना ज़्यादा और इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया आपने, मतलब दिल खुश हो गया यार। बस ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो, मैं
हमेशा अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा। एंड वंस अगेन थैंक यू। और सेकेंड थिंग प्लीज़ यार, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब कर तो रहे हो आप, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोगों को ये चीज़ याद दिलवाना, एंड मैं डेली आपको ये चीज़ याद दिलवाऊंगा भी। एंड कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ठीक है। और जितनी भी मेरे पिछले वीडियोस में मैं जितने भी टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ रिलेटेड टू टीनेजर्स और पेरेंट्स के गाइडेंस से लेकर के, आप मुझे उस पर भी अपना कमेंट दे सकते हो कि अगर कोई चीज़ आपको कहीं हेल्प लग रही है मेरी, तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं शॉर्ट करने का कोशिश करूँगा। और नहीं होता है अगर पर्सनली आपको मुझसे बात करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीके बताऊंगा, लाइक मेल आईडी वगैरह जैसे मैंने पहले बताया, तो वहाँ से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। बट कहीं पे भी मेरी जो भी मेरी बातों को आप देख रहे हो समझ रहे हो उसको पूरा फॉलो करोगे, तो आप 110% चीज़ें सही डायरेक्शन में लेके जाएंगी, क्योंकि ये कोई भी ऐसा इलॉजिकल वो नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ बस कि मेरे मन में आ रहा है बता रहा हूँ। ये मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कहीं ना कहीं, या मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहोगे, और हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए।